फ्रेंड्स, हर वीक की तरह से इस वीक भी जो भी मैंने प्लांट्स की शॉपिंग करी है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ज़्यादा तो प्लांट्स मैंने बाय नहीं किए, थोड़े बहुत ही किए। जो भी किए वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। और ये मैंने क्राइजेंथमम जो लास्ट वीक आप लोग के साथ शेयर किया था शॉपिंग वाली वीडियो में, इन्हें ट्रांसप्लांट कर दिया है नए पॉट में और ये यहाँ बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, तो मैं आप लोग के साथ भी शेयर कर दूँ। तो आज के वीडियो में जो शॉपिंग है प्लांट की वो तो मैं आपको को दिखाने ही वाली हूँ। उसके साथ साथ गार्डन में कुछ काम भी चल रहा है, कुछ स्टैंड वगैरह मैं बनवा रही हूँ, इंडोर सेक्शन में कुछ काम हो रहा है, वो भी मैं इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्लांट हैं। तो सबसे पहला प्लांट जो है, ये सारे जो प्लांट हैं ये सारे ही हैं शॉपिंग में, थोड़े से और हैं वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। और ये जो सबसे पहले आप हिबिस्कस देख रहे हो, ये मैंने न्यू प्रयाग नर्सरी से ही बाय किया है, जहाँ की मैंने लास्ट वीक नर्सरी विजिट की वीडियो बनाई थी, आप लोग के साथ शेयर किया था। और ये लाल मिट्टी में लगा हुआ प्लांट है और ये वही 120 रुपीज़ में जो मिल रहे थे वो वाले प्लांट है, तो 100 रुपीज़ में मुझे मिला है ये। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये लाल मिट्टी में लगा हुआ है। दूसरा ये भी प्लांट जो है मैंने आप लोग के साथ शेयर भी किया था, जो ग्लॉक्सिनिया है, ग्लॉक्सिनिया की मैंने वीडियो में डाला भी था। तो ग्लॉक्सिनिया एक मैंने ये हिबिस्कस ले लिया क्योंकि हिबिस्कस मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो हिबिस्कस का ये शेड थोड़ा सा यूनिक भी लग रहा था, मेरे पास है भी नहीं और ग्लॉक्सिनिया तो बिल्कुल मेरे पास है ही नहीं, तो इसलिए मेरा फर्स्ट टाइम मैं एक्सपीरियंस रहेगा। ऑल्दो ये प्लांट बहुत हेल्दी नहीं है, बट जो भी मैं ग्लॉक्सिनिया देखती हूँ नर्सरीज में वो काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं, तो और मेरा फर्स्ट टाइम है जैसे मैंने आपको बताया, तो अभी मैं बहुत ज़्यादा इस पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहती थी। और ये प्लांट तो उन्होंने मुझे 80 में दे दिया क्योंकि इसकी कंडीशन ठीक ठाक नहीं थी, तो इसीलिए खैर इसमें बल्ब होते हैं, तो ग्रो करूँगी, देखूँगी कैसा चलता है, आप लोग के साथ शेयर भी करूँगी अपडेट। और एक ये बोगनवेला, ये भी न्यू प्रयाग नर्सरी से ही बाय किया है और ये पर्पल कलर वाला है। जो मैंने प्लांट आप लोग को 30,000 वाला दिखाया था, जो बड़ा सा प्लांट था, उसी का ये बेबी प्लांट है। बेबी प्लांट तो भी आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा है ये, और इसकी स्टेम आप देख सकते हो काफ़ी मैच्योर सी लग रही है और बहुत ही मतलब अच्छा खासा हाइट का ये प्लांट है। तो ये थोड़ा सा इनका मेरे हस्बैंड का मन था कि ये थोड़ा सा ट्री शेप में इसको ग्रो करेंगे क्योंकि इसकी जो मेन ब्रांच है वो काफ़ी अच्छी सी है, वुडी सी है और अच्छा सा शेप ऑलरेडी इसके अंदर है, थोड़ा सा वर्क करके और एक ऊपर से कैनोपी टाइप का इसको ग्रो करेंगे। और एक इन्होंने मेरे हस्बैंड ने ये बाय किया है, ये रोज़ प्लांट है, ये एक क्लाइंबिंग रोज़ है, वाइट कलर का है ये, और ये बख्शी बांध से बाय किया है और ये बख्शी बांध में हरित नर्सरी है वहाँ से बाय किया है और ये हमें मिला है 60 रुपीज़ में। ये छोटा सा प्लांट है काफ़ी, और लाते समय इसकी एक ब्रांच टूट भी गई थी तो फिर हमने उसको अलग लगा दिया, इसी में ही पॉट में साइड में लगा दिया था, तो इसे भी हमने रिपोर्ट कर दिया। और आपको काफ़ी वीक लग रहा होगा बट ये ट्रूली एक क्रीपिंग रोज प्लांट है क्योंकि उसने बोल के दिया है। और अभी जो पिछले बार मैंने आप लोगों के साथ येलो वाला शेयर किया था वो तो हम लोगों ने आइडिया लगा के कि ये क्रीपिंग रोज़ होगा तो ले लिया था, बट ये रियल सेंस में क्रीपिंग रोज़ है क्योंकि इसकी ब्रांचेस काफ़ी पतली पतली सी हैं, जैसे मेरा पिंक वाला उस तरीके से हैं। और ये जो लास्ट वीक मैंने आप लोग के साथ ये कैंडिडेट शेयर किए थे, उन प्लांट्स को मैंने कोलियस और इंग्लिश आईवी प्लांट जो है वो मैंने कटिंग से ग्रो किया था, ये साइड में आप देख सकते हो कि ये इंग्लिश आईवी की कटिंग है। तो ये चारों प्लांट को मैंने साथ में लगा दिया है क्योंकि मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा लगेगा, ये जब साथ में ग्रो होंगे तो बहुत ब्यूटीफुल सा लुक देंगे इस छोटे से पॉट को। लास्ट ईयर भी मैंने कुछ जो है पेटूनिया वगैरह की हैंगिंग बास्केट बनाई थी, उसमें कैलेंडुला वगैरह लगाए थे तो देखने में बड़े प्यारे लग रहे थे। अब ये तो हो गई प्लांट्स की बात, अब देख लेते हैं कि काम आज क्या हुआ है। तो काम में ये हो रहा है, इंडोर सेक्शन जो है मेरा, आप लोगों ने कई सारी वीडियोज़ में देखा भी होगा, तो वहाँ पर ज़मीन में बहुत सारे पॉट्स रखे हुए हैं क्योंकि हमारे पास स्टैंड उतने नहीं हैं जितने हमारे पास पॉट्स हैं, तो कुछ स्टैंड मैं बनवा रही हूँ, तो उसी का सब काम हो रहा है यहाँ पर। साहिल थोड़ा सा अनवार है, साहिल बता दो क्या क्या काम कर लेते हो। सारा का सारा गार्डन वाला जो काम होता है, वेल्डिंग वाला स्टैंड और स्टील वाला भी ना जी, और क्या बस गमला वमला बन जाता है और बस बेड बना लेते हैं और स्टैंड वगैरह बना लेते हैं, जो भी है लोहे वाला जो भी काम होता है वेल्डिंग वाला रिलेटेड वो सारा कर लेते हैं।
साहिल का जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग चेक कर सकते हो। अभी साहिल शर्मा रहे हैं इसलिए वो वीडियो के सामने नहीं आए। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है साहिल ने जो है स्टैंड बना रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो एंगल्स हैं और ये पतली जो पट्टी आती है लोहे की, उसको लगा लगा के इन्होंने इस तरीके से बनाया है। और ये ज़मीन पे रखने वाले स्टैंड नहीं है, ये जहाँ पर मेरे हस्बैंड ये हैंगिंग बास्केट हटा रहे हैं यहाँ पर ये लंबे पार्ट में ये पूरा का पूरा ऐसे लगेगा, ताकि ऊपर भी इसमें स्टैंड पर गमले आ जाएंगे और जो नीचे ज़मीन पर पड़े हुए हैं और जो इनके एंगल्स हैं उनमें जो हैंगिंग प्लांटर्स हैं वो हैंग हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने सोचा है, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये लोग ये यहाँ पर इसे वेल्ड कर रहे हैं जो इन्होंने बनाए हैं स्टैंड, और ये सभी ऊपर रहेंगे ऐसे ही पूरा एल शेप में ये पूरा जाएगा और अंदर से सीधा पूरा और इधर एल शेप में हो जाएगा। तो ऐसे करके मैंने सोचा है कि काफ़ी ज़्यादा जो मेरे पॉट्स हैं वो जो ज़मीन पर रहते हैं तो काई वगैरह भी लगती रहती है, एलगाई तो ख़राब से लगते हैं, तो मैंने सोचा यहाँ पर थोड़ा रहेंगे तो अच्छा भी लगेगा देखने में भी, और थोड़ा सा जो है जगह भी मुझे ज़्यादा मिल जाएगी, क्योंकि कुछ ना कुछ नए प्लांट्स आते रहते हैं, कभी ये लेके आते हैं कभी मैं लेके आती हूँ, तो इस तरीके से थोड़ा सा स्पेस मैनेजमेंट भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।